जिला मुख्यालय के विख्यात शहीद भीम नायक कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेताओं को बुलाने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर प्राचार्य राम नरेश शुक्ल का पुतला फूंक दिया। असल में कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर एबीवीपी के छात्रों ने प्राचार्य पर कांग्रेसीकरण का आरोप लगाया था। दरअसल वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को बैठाने और एबीवीपी सदस्यों से अतिथि का स्वागत नहीं करवाने पर हंगामा हुआ, जिस पर विधायक प्रतिनिधि शुभम पांडे ने प्राचार्य आर एन शुक्ल पर कार्यक्रम का कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर छात्रों ने प्राचार्य के कक्ष के बाहर हंगामा भी किया था। कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष लता देवी रावत, कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम निवाली की निदेशक पुष्पा सिंह, नगर पालिका उपाध्यक्ष कुलसुम कपाड़िया और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई मंच पर थे। लेकिन शुभम पांडे ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी सदस्यों से अतिथियों का स्वागत न कराने और मंडलोई को मंच पर बैठाने को लेकर विरोध किया। पांडे का कहना था कि मंडलोई वर्तमान में जनप्रतिनिधि नहीं है, बावजूद उन्हें कार्यक्रम में बुलाकर प्राचार्य ने कांग्रेसी मानसिकता को दर्शाया है। इसी बात को लेकर छात्रों ने आज प्राचार्य का पुतला दहन किया है। वहीं प्राचार्य आर एन शुक्ल ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सांसद गजेंद्र पटेल और विधायक प्रेम सिंह पटेल को भी आमंत्रित करने की बात कही है। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। बोले विभाग सह संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यह पुतला किसका था और क्यों दहन किया? ये शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य का पुतला दहन किया हमने। प्राचार्य के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था, कल भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था, ये आश्वासन दिया गया था कि हम शिक्षा के मंदिर में राजनीतिकरण नहीं करेंगे, परंतु फिर आज भी उन्होंने पूरे जो कार्यक्रम था उसमें राजनीतिकरण किया, पूरे एक ही पार्टी के लोगों को वहाँ पर बिठाया और पूर्ण रूप से राजनीतिकरण किया गया और दबाव में आके ये काम कर रहे हैं। कौन सी पार्टी को बुलाया था? कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को बुलाया गया, जबकि यहाँ के स्थानीय जो प्रथम नागरिक है उस वो विधायक नहीं उपस्थित, उसके बावजूद जो बात हुई थी हमारी कि केवल एक ही जो अध्यक्ष है अध्यक्षता कर रहे, विशेष अतिथि मुख्य अतिथि वही लोग बैठेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बैठेंगे, फिर आज भी अन्य तीन लोगों को मंच पर बिठाया गया जिसका हमने पूर्ण रूप से पुतला दहन करके विरोध किया। किसका पुतला था? शायद भीमनाग शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य आर एन शुक्ला सर का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।